हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीक मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स खरीदे थे और वो सारे ही प्लांट्स नर्सरी के बोरिंग से, ट्रेडिशनल से, ब्लैक या तो ब्राउन कलर के पॉट्स में आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें एक अच्छा सा मेकओवर दिया जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 DIY पेंटिंग आइडियाज जो आप भी इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये यूज्ड क्लोथ बिछा दिया है। आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं ताकि नीचे का सरफेस खराब नहीं हो। और पेंटिंग के लिए हम आज ये ऑयल पेंट यूज़ करेंगे वाइट कलर का, और थिनर भी यूज़ करेंगे ताकि ऑयल पेंट थोड़ा लाइट हो जाए। पेंटिंग के लिए मैं ये 2 इंच का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आपके पास किचन में ऐसे स्पॉन्ज तो ज़रूर होंगे, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 8 टेबलस्पून पेंट लिया है और 2 टेबलस्पून थिनर लिया है ताकि ये इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो जाए। इसको मैंने 1 कोट पेंट कर दिया है और इसी तरह मैं बाकी के भी सारे पॉट्स पेंट कर दूंगी। मैंने मेरे सारे पॉट्स को पेंट का 1 कोट लगा दिया है। मैं इन्हें रात भर सूखने दूंगी और कल चेक करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की ग्लॉसी फिनिश आई है। अब अगर आपको इस पॉट को वाइट कलर में ही रखना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इसके ऊपर दूसरा कोट जरूर लगाएं, और अगर आपको इस पॉट को कोई दूसरे कलर में पेंट करना है तो आप डायरेक्टली दूसरे कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है और अभी इसे सूखने देंगे अच्छे से। सूखने के बाद ही इसकी ये टेप्स हम निकालेंगे और ज़रूरत लगेगी तो हम इसे टचअप भी कर देंगे। इस पॉट पे हम क्रिस क्रॉस डिज़ाइन करेंगे और इसीलिए मैंने ये एक्स शेप में टेप्स लगाई हैं, और यही पैटर्न हम पूरे पॉट पे रिपीट करेंगे। पॉट पे हम ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन पेंट करेंगे, और उसके लिए मैंने ये पेपर पे ट्रायंगल शेप कट कर दिया है। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ये ट्रायंगल शेप के लिए हम एक दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने ये किचन स्पॉन्ज में से एक ट्रायंगल शेप का पीस कट कर दिया है और इसे मैं वाइट पेंट में डिप करके इसे पेंट कर सकती हूँ। इस पॉट पे हम एक शेडेड डिज़ाइन करेंगे जिसको ओम्ब्रेड डिज़ाइन भी बोलते हैं, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेड, ऑरेंज और वाइट कलर। तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे रेड कलर से, उसमें हम ब्लेंड करेंगे ऑरेंज कलर, और ऑरेंज को ब्लेंड करेंगे वाइट में, तो इससे हमारे पॉट पे एक शेडेड इफेक्ट आएगा। इस पॉट पे हम वर्ली डिज़ाइन करेंगे, और उसके लिए मैं सेंटर में रेड कलर करने वाली हूँ और ऊपर और नीचे येलो कलर करने वाली हूँ। ये वर्ली आर्ट डिज़ाइन पेंट हो चुकी है, और अब मैं आपको ये पूरा पॉट दिखाती हूँ। इस पॉट पे हम ब्लॉक पेंटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है। इसके ऊपर मैंने रैंडम पैटर्न में एक जूट रोप टाई कर दी है, और इसके ऊपर मैंने ये पर्पल कलर का पेंट लिया है। ये हमारा ब्लॉक पेंटिंग वाला पॉट रेडी हो गया है ना, बिल्कुल इजी एंड सिंपल टू डू।
मैंने मेरे सारे पॉट्स पेंट कर लिए हैं और अब एज अ फाइनल स्टेप मैं उनके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट लगाऊंगी। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट नहीं है तो आप वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ये है कि हमारा पेंट वाटरप्रूफ हो जाता है। That's it guys, अगर आपको इनमें से कोई भी DIY पेंटिंग आइडिया अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।